न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया समेत कई अमरीकी सूबे ने मेटा प्लेटफॉर्म इंक खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इस विच दोष लगाया गया है कि मेटा जानबूझ के इंस्टाग्राम ते फेसबुक लिए अजिहे फीचर तैयार कर रहा है जो बच्चों नूं कंपनी दे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे आदि बनाते हैं, नौजवानों नूं नुकसान पहुँचाते हुए उन्हां दी मानसिक सेहत संबंधी समस्यावां नूं बढ़ावा दे रहे हैं। 33 सूबियां दी तरफों कैलिफोर्निया दी संघी अदालत विच दायर किए गए मुकदमे दे विच दावा किया गया है कि मेटा नियम की उलंघना करते हुए 13 साल तो घट उम्र के बच्चों का डाटा उन्होंने मापिया की सहमति तो बिना इकट्ठा करती है। इस तो अलावा 9 अटारनी जनरल भी आपो अपने सूबे में मेटा विरुद्ध मुकदमे दायर कर रहे हैं, जिस नाल कंपनी विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने वाले सूबे की गिनती 41 हो गई है। मुकदमे दे विच कहा गया है कि मेटा ने नौजवानों अते अलड़ उम्र के नाबालगों को आकर्षित करने रुझान अते अंत विच भरमाउण लई शक्तिशाली अते बेमिसाल तकनीक की वरतों की है। इसका उद्देश लाभ कमाना अते वध तो वध वित्ती लाभ प्राप्त करना है। मेटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के महत्वपूर्ण खतरों बारे लोगों को बार बार गुमराह किया है। मुकदमे अनुसार कंपनी ने उन तरीकों लुकाया है जिस विच ए प्लेटफॉर्म उन्होंने सब तो कमजोर उपभोक्तावान नाबालिगों के बच्चों गुमराह करते हैं और उन्हों का शोषण करते हैं। मेटा तो वित्तीय मुआवजे तो इलावा कानून की उलंघना करने वाली विशेषतावान हटाने की मांग की गई है। न्यूयॉर्क के अटारनी जनरल लेटिया जेम्स ने एक बयान दे विच कहा है कि बच्चे अते नाबालग बहुत माड़ी मानसिक सेहत नाल जूझ रहे हैं, मेटा वर्गिया सोशल मीडिया कंपनियां इस दी जिम्मेवार हैं। मेटा ने जानबूझ के अपने प्लेटफॉर्म ते वे विशेषतावां बनाईयां हन जो बच्चों के स्वै माण नूं घटाउंदियां हन अते उन्हां नूं इस दे ऐप्स दे आदि बनाउंदियां हन। इस तरह उन्हां दी परेशानी दा शोषण करके लाभ प्राप्त करदियां हन।